to my new blog. तो होप आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है. तो आज मैं दो तीन दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा दौड़ भाग चल रहा है. मतलब शाम को आके मैं कहीं मार्केट वगैरह जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं कल मतलब आज. तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ. मतलब अगर दोपहर सुबह भी बनाऊंगी तो वो कटे कुटे में रह जाएंगे, तो इसीलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ. तो हाँ, चलो कोई नहीं. पर आज मैंने सोचा यार, इतने दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड. एंड एक्चुअली क्या हुआ, मैं नहाते नहाते मुझे एक चीज़ स्ट्राइक किया और मुझे लगा कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. तो इट्स जस्ट अ सिंपल स्किन टिप, मतलब ब्यूटी टिप, तो स्किन केयर टिप. सो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशान थी कि मुझे अपना फेस वॉश चेंज करना था. तो मुझे लग रहा था मैं चेंज करूं पर कौन सा करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कौन सा करूं. फिर मैंने कुछ नेचुरल रेमेडी अप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो. तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्विक टिप आप लोगों के साथ शेयर कर लूं बिफोर आई स्टार्ट द डे और बिफोर आई लीव फॉर द ऑफिस. मैं आप लोगों के साथ ये क्विक टिप शेयर कर लूं और आप लोगों को बता दूं कि ये छोटे छोटे किचन वाली चीज़ें हैं जो हम रोज के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस वॉश, एंड वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. मतलब बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा अप्लाई करके. ठीक है, तो मैं फटाफट बता देती हूँ वो क्या है, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए, मुझे फटाफट निकलना है. तो मैं फटाफट दो मिनट में बता देती हूँ आप लोगों को. तो वो है द फर्स्ट इंग्रेडिएंट. मतलब अगर आपकी स्किन बहुत डल हो चुका है, और क्योंकि अब समर है तो समर में क्या होता है, स्किन बहुत टैनी हो जाता है, बहुत सनबर्न हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो आप क्या कर सकते हो इन दैट केस, आप कोई भी आर्टिफिशियल या फिर हाँ मतलब रेडीमेड फेस वॉश यूज़ मत करो, क्योंकि उसमें है ना बहुत, ना चाहते हुए भी बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए हार्ड होता है. और हमारा स्किन है बहुत सॉफ्ट, तो उसको हमें बहुत डेलिकेटली ट्रीट करना चाहिए. तो हाँ, मैं चार इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो आप कलेक्ट कर सकते हो, या तो यू कैन बाय फ्रॉम अ जनरल स्टोर से मिल जाएगा आपको, या तो किचन में है तो बहुत ही बढ़िया. ठीक है, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बेसन, सेकेंड है मसूर दाल. सो मसूर दाल आप बाहर से, आप मसूर दाल का पाउडर रेडीमेड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से ला के उसको धो के अच्छे से वॉश कर लो, सुखा लो, एंड उसको एकदम पाउडर वाला. क्योंकि मसूर दाल क्या होता है ना, कभी दरदरा रह जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें एकदम प्योर पाउडर चाहिए. तो बहुत अच्छे से भले आप छान लेना, थोड़ा सा छान के ऊपर जो दरदरे पार्ट है, जो पार्टिकल्स है, उसको निकाल के फेंक सकते हो, बाकी पाउडर आप रख सकते हो. तो आप एक बाउल लेना और उसमें आप पहले मिक्स करना बेसन, दो चम्मच बेसन, दो चम्मच मसूर दाल का पाउडर. अगर आपके घर में है चंदन पाउडर तो उसमें दो चम्मच चंदन पाउडर ऐड कर देना. और उसमें द चौथा इंग्रेडिएंट्स इज हिबिस्कस पाउडर, गुड़ेल का फूल. उसका अगर घर पे फूल है उसको तोड़ के अगर पाउडर बना सकते हो, वेरी गुड, नथिंग लाइक इट. और एल्स आप क्या कर सकते हो, आप अमेजोन वगैरह से रेडीमेड मंगवा सकते हो, वो पैकेट वगैरह मिल जाता है. इनफैक्ट कुछ ब्यूटी स्टोर्स में भी मिल जाता है आजकल, तो आप उनसे भी ले सकते हो. तो ये चारों चीज़ एक मतलब प्रॉपर क्वान्टिटी में, सेम क्वान्टिटी में चारों चीज़ को एक प्रॉपर बाउल में मिक्स कर देना आप, और करके उसको किसी जार में, किसी बॉटल में स्टोर कर देना. और उसको मतलब मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर रहे हो, और उसको दिन में दो बार आप एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हो. अगर आप सिर्फ रब करके वॉश करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी देर रखना है तो आप 10-15 मिनट्स उसको अप्लाई करके भी फेस वॉश कर सकते हो. ईदर वे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों नेचुरल चीज़ें हैं. बेसन हमारी स्किन को बहुत अच्छे से साफ करता है, और चंदन पिंपल से बचाता है स्किन को, पिंपल्स या ऐसे चीज़ें, एक्ने पिंपल से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है.
हिबिस्कस पाउडर, गुड़ियल का पाउडर जो हमारे स्किन में मॉइस्चर रखता है हमेशा। हाँ, एक और चीज़, जिन लोगों को ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है वो हिबिस्कस को हटा के वो उसमें मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को डिहाइड्रेट करता है और हिबिस्कस हमारे स्किन को हाइड्रेटेड करता है। ठीक है, तो आप अपने स्किन के हिसाब से चूज़ कर लेना हिबिस्कस पाउडर या गुड़ियल का पाउडर, हिबिस्कस पाउडर या फिर मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। तो आप इन दोनों का अपने स्किन के हिसाब से जजमेंट कर लेना और चारों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, या तो आप रोज वाटर के साथ मिक्स करके भी अप्लाई करके 10-15 मिनट्स रख के वॉश कर सकते हो, और एल्स मतलब नहीं रखना है, वक्त नहीं है, तो आप जनरली थोड़ा सा रब करके स्किन में लगा लो और एज ए फेस वॉश उसको यूज़ करो। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स रियली गुड। मैंने अभी 3-4 दिन से यूज़ करना शुरू किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम सो श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग में हम मिलेंगे, हाँ कहीं जा रहे हैं हम, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कहाँ जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में एक नई जगह। तो तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, टेक केयर गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड थैंक यू एवरी वन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। टेक केयर गाइज, बाय बाय।